स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल के बारे में। दोस्तों हैज थ्री बिजनेस डिवीजन, नेमली एग्री प्रोडक्ट, शिपिंग एंड टेक्सटाइल। तीन प्रकार के बिजनेस करती है दोस्तों ये कंपनी। आपने अभी अभी देखा, ये एग्री प्रोडक्ट में काम करती है, शिपिंग में एंड टेक्सटाइल में कंपनी काम करती है। द कंपनी डीलर्स प्रोवाइड यूरिया एंड अदर एग्री इनपुट्स लाइक डैप, अमोनियम फॉस्फेट, मुरेट टू फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स। मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट आर सोर्स फ्रॉम रिपोर्टेड सप्लायर एंड सोल्ड अंडर द उत्तम अम्ब्रेला ब्रांड। इनका ब्रांड है दोस्तों उत्तम अम्ब्रेला। देयर शिपिंग डिवीजन कंसिस्ट और फ्लिट फाइव ब्रांड। शिपिंग डिवीजन कंसिस्ट फ्लिट फाइव, अफ्रमैक्स, टर्मैक्स, रत्ना, यूर्वी, रत्ना पूजा, रत्न श्रुति, रत्न श्रद्धा एंड रत्न नम्रता। एंड द टेक्सटाइल डिवीजन प्रोडक्ट सिंथेटिक यान, एक्सपोर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ दियर प्रोडक्ट मोस्टली टू यूरोपियन कंट्रीज। द कंपनी ऑल्सो इन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ टेक्सटाइल, शिपिंग, फर्टिलाइजर, एग्री इनपुट, इन सभी में जबरदस्त काम करती है दोस्तों चंबल फर्टिलाइजर। और ये शेयर अभी मार्केट की इस गिरावट में जबरदस्त क्रैश हो चुका है। इस क्रैश का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। और अभी हम आते हैं कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,083 करोड़, और आप देख सकते हैं इसका फेस वैल्यू 10 है। फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है, और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांटती है। और अभी हम आते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 60.48%, FIIs है 13.45%, DIIs है 10.56% और पब्लिक देखिए 15.48%। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, अच्छी खासी होल्डिंग पकड़ रखी है FIIs, DIIs और पब्लिक ने भी खरीदा है अच्छा खासा माल। और आप देख सकते हो प्रमोटर अपनी होल्डिंग कंटिन्यूस प्लेज करते जा रहे हैं दोस्तों। जून 21 में आप देख सकते हो 19% थी, फिर थोड़ी सी कम की थी 18%, और अभी जून 2022 में 24% तक अपनी शेयर होल्डिंग प्लेज कर दी है दोस्तों इन्होंने। और FIIs देखिए कंटिन्यूसली अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं दोस्तों, DIIs कम कर रहे हैं अपनी शेयर होल्डिंग, और पब्लिक तो सेम ही है दोस्तों। और अभी हम आते कंपनी के रेवेन्यू पे। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली कंपनी अपने रेवेन्यू बढ़ाती जा रही है, और अभी 2022 में कंपनी ने जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट किए दोस्तों, 16,068 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए। मगर नेट प्रॉफिट में कंपनी गिरावट कर रही है दोस्तों। आप देख सकते हो 21 में कंपनी का 1,658 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अगेंस्ट 2022 में इन्होंने 1,259 करोड़, लगभग 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है दोस्तों। और आप देख सकते हो छोटा सा इंटरेस्ट भी पे करती है कंपनी, और नेट प्रॉफिट में भी इनके गिरावट है दोस्तों, कंटिन्यूअसली गिरावट है। आप देख सकते हो तीन क्वार्टर के अवेलेबल है, 425 करोड़ था, उसके बाद 325, 100 करोड़, और उसके बाद 200 करोड़, 125 करोड़ का गैप है दोस्तों। और अभी हम आते हैं कंपनी के रिजर्व पे। आप देख सकते हो कंपनी रिजर्व बढ़ाती जा रही है दोस्तों। कंपनी के पास अभी 5,983 करोड़ के रिजर्व अवेलेबल है। चंबल फर्टिलाइजर रेगुलरली डिविडेंड बांटती है दोस्तों अपने शेयर होल्डर को। आप देख सकते हो रेगुलरली डिविडेंड है इनका 20 में 21 में, और अभी 22 में भी इन्होंने डिविडेंड दिया है दोस्तों फेब में। और देख सकते हो इसकी पीयर्स कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर की, कोरोमंडल इंटरनेशनल, टाटा केमिकल, GNFC, दीपक फर्टिलाइजर, ये सभी इसकी पीयर्स कंपनियां हैं दोस्तों। आप देख सकते हो इसके कॉम्पिटिटर है ये सभी, और GNFC, GFFC, ये सभी कंपनियां दोस्तों फर्टिलाइजर और केमिकल में काम करती है दोस्तों। और आप देख सकते हो इसकी पीएस कंपनियों का परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों, सभी का सबसे ज़्यादा GNFC भाग चुका है दोस्तों, दीपक फर्टिलाइजर, उसके बाद GNFC 77% के रिटर्न बना के दिए दोस्तों 1 ईयर में, और प्रॉफिट में भी GNFC आगे है दोस्तों, कल फर्टिलाइजर से आगे है दोस्तों GNFC। और देखिए कल के दिन में ये रेड में बंद हुआ है दोस्तों, 314 रुपीज़ पे चल रही है शेयर, और पिछले 6 महीने में आप देख सकते हो 31% की गिरावट है इस शेयर में, और 5 सालों में देखिए इस शेयर ने 134% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है अभी तक। और इसका 52 वीक लो देखिए 260 रुपीज़, और 52 वीक हाई 516 रुपीज़। तो अपने 52 वीक हाई से अच्छा खासा क्रैश हो चुका है दोस्तों, 30-40% का क्रैश हो चुका है ये शेयर। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना 52 वीक हाई के नीचे थोड़ा सा हाई अपना टारगेट रख के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। और मैक्सिमम देखिए अभी तक इस शेयर ने 2,512% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए दोस्तों, मल्टीवैगर रिटर्न दिए इस शेयर ने। और इस गिरावट का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।